गाइस नमस्ते, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। सो यार हम रेडी हो गए हैं और आज बहुत सारी जगह हमें घूमना है। सो अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले नाश्ता करने। गाइज हम रेडी हो गए हैं और हमारी कार आ रही है। सो अभी हम कहाँ जा रहे हैं जीजू? अभी जा रहे हैं हम कुकरू और यहाँ के जो राजा है वीरभद्र सिंह, उनका चीनी का एक किला है और वहाँ पे उसके 60,000 तकरीबन 70,000 एक सेब का फार्म है। हाँ बिल्कुल, वहीं से लेके आएंगे और आई होप के आप सभी को अच्छा लगेगा। सो हमें इस ज्यादा और इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी, वहाँ हम आपको देते रहेंगे। सो वीडियो में बने रहिए। सो मिलते हैं आपसे। टू थ्री की जय। सो गाइस ग्रीन वैली पहुंच गए हैं और यार बारिश स्टार्ट हो गई है। पता नहीं यार क्या हो रहा है, कल भी पूरा दिन बारिश, दो बार कैंसिल हुआ प्लान, बट अभी हम पहुंच गए हैं तो थोड़ा बहुत देखते हैं। और बारिश धीरे धीरे तेज़ ही हो रही है। सो इधर ही कुछ फ़ोटो वोटो लेंगे हम। जीजू जीजू तो ले रहे हैं और बारिश बहुत तेज़ आ गई है। सो जा रहे हैं बस। चलो यार फ़ोटो लो, मेरा भी। चलो 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 यार बारिश तेज होगी, हम निकल रहे हैं। कैंडी लेंगे जी, ठीक है 20 रुपीस का रन ले लो मैम, 30 का तू ले लो। चलो 30 के तू दे रहा है, दे दो। कितने? बस दो ही। दो ही लेने? और लो लो क्या प्लान बनाया अभी भाई? यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे घोड़े से। ओके, आना जाना करना है वहाँ पे। ठीक है, और हम तीनों लड़के चलेंगे, रनिंग वर्कआउट करते हैं। ठीक है भाई, हम फिट बंदे हैं, पता नहीं कैसे जाएंगे। शायद हमें भी घोड़े कराने ही पड़ेंगे क्योंकि इस रास्ते पे चला तो जाएगा नहीं। सो नए शूज़ लिए थे, सारे कबाड़ा हो गए हैं शूज़, बिल्कुल गोबर हो गए हैं। और मैं और जीजू जा रहे हैं। आपको देखे तो घबराना नहीं, इसमें सबसे पहले पंजे जमाना, ठीक है, जमा के काम करना। हाँ हाँ ठीक है, और जब चढ़ाई आए तो
पीठ का झुकाव आगे रखना ताकि वजन आगे रहे। भैया कुछ बताओगे हमें चलने का कुछ ट्रैक? नहीं टेक्निक बता दो। जूते दियो है, चलो ठीक है भैया चलते हैं राम के भरोसे। और जीजू ने जो टेक्निक बताई है पंजे पंजों पे थोड़े जमा के चलते हैं। सो चलो यार ध्यान से ध्यान से, बस यही है थोड़ा कीचड़ आगे मेरे को लग रहा है। ठीक है जीजू कह रहे हैं अमरनाथ में मैंने इससे भी खतरनाक ट्रैकिंग की है। और अभी पता चल जाएगा न्यू शूज कैसी ग्रिप है क्या है भाई। ले भाई एक स्केचर है एक एडिडास है अभी चल रहे हैं हम आराम से। सो ये रास्ता थोड़ा टफ है मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ उसके बाद देखता हूँ। ये तो टट्टी है गाइस जूते देखना एक बार मेरी हालत देखो। और अभी रास्ता ये है I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. So guys, finally हम पहुंच ही गए। ये खड़े हैं सारे घोड़े और हम दो घोड़े भी पहुंच गए हैं। बिल्कुल सही है। और हमको तो इतना हार्ड नहीं लगा बिल्कुल जितना वो बताते घोड़े वाले नीचे डरा देते हैं ये काफी हाइट पे ये है वो है ऐसा कुछ मगर मुझे लगता नहीं है। और आप लोग आ सकते कर सकता कोई भी कर सकता है एवरेज पर्सन भी कर सकता है यार। लेडीज या बच्चे तो शायद हाँ उनका थोड़ा ले सकते हैं ये आप को ऊपर। ठीक है वो रहे हमारे बंदे चलो घोड़े पे इन्होंने पैसे दे दिए मगर मुझे ऐसे लगता नहीं है घोड़े की जरूरत है। नहीं यार ठीक है घोड़े पे जाऊंगा ठीक है। मगर हाँ जो आदमी अपने आप को अनफिट समझते हैं इनकी तरह घोड़ा ले सकते हैं ले सकते हैं। बाकी ये है कि वैसे घोड़े की जरूरत नहीं है और फैमिली के साथ आते हो तो आपको शायद ये बच्चों और लेडीज के लिए ले सकते हैं। जेंट्स को तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है जिसकी लुगाई अगर वो करने लग जाए ना रोने पर आदमी को बैठना पड़ता है। हां इनको तो फंसाया गया बेसिकली इन्होंने अपनी वाइफ के लिए ली थी। हाँ वैसे इनका प्लान हमारे साथ ही था आने का बाद में इनकी वाइफ लीवर्ट कर गई तो फिर इन्होंने बाद में से गिव अप किया। तो अब चलो आगे चलते हैं कोई नहीं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में हमारे साथ चलना चलो यार। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours but I'll keep doing mine. Oh guys, इधर बंदर बहुत हैं। Make sure आपके हाथों में कुछ खाने पीने का सामान ना हो ये तो हाथ से छीन ले जाते हैं। गाइस एक बार फिर से पैदल जा रहे हैं हम नीचे आपको नीचे मिलता हूँ मैं चलो यार। सो गाइस जो मुझे घोड़ों से कम समझ रहा था उनके मुंह पे तमाचा है हम घोड़े से आगे आए हैं। गजब बेइज्जती है और ये देखो घोड़े पे बैठ के परेशान हो गए भाई साहब। पैदल चलना और घोड़े पे चलना बहुत अंतर है। हम दोनों ने घोड़ों को पीछे छोड़ दिया और उनसे भाई पहले आ गए हैं। और ये देखो लड़कियों की तरह घोड़ा आ रहा है भाई। Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your goodbye. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see. भाई सांस फूल गए और अभी तो आधा रास्ता भी नहीं हुआ है अभी पता नहीं कितनी दूर और जाना है
बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। सो अभी ये रास्ता है हमारा और इधर जाएंगे हम। The things that you're feeling, capture your body, get your best side, breathe in the world, fake us a smile, walk in the lines, fine, but I hope one day you'll break through. You'll be living your good life, catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now. गाइस हट चुकी है हमारा पहला खिलाड़ी थकता हुआ, दूसरा खिलाड़ी और तीसरा मैं। भाई बिल्कुल बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, जैसा कि जीजू ने बोला था 90 और ये बिल्कुल 90 है। ओ भाई मत आना, गाड़ी से ही आना, चाहे 25-30 मिनट वेट करना पड़े पर गाड़ी से ही आना, बहुत ही ज्यादा है यार। Do you want to know? Well, I've been thinking about you. So guys, finally हम पहुंच गए हैं जाकू मंदिर। यार बहुत बहुत थकान थी बट ये देखने के बाद सारी थकान उतर गई है और आप सब भी दर्शन कर लो जय हनुमान की। और ये आ गए हमारी पूरी फैमिली। And it feels so bright, it's like luck is raining on